Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth Always Exposes Darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जिंदगी में जो आने वाले हैं, ठीक है, जो भी आ सकता है आपकी जिंदगी में वो क्या है बेसिकली. सो यू नीड टू नो दिस, ठीक है, आपको जानना चाहिए. सो देखते हैं क्या क्या आपकी जिंदगी में आने वाले हैं. सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. देख लेते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या आ सकता है जरूर. यूनिवर्स फिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन. सो दिस इज अ न्यू डे वंस अगेन. All right, so we do have the seven of keys. यहाँ पे है हमारे पास one of keys. We do have the eight of keys. Okay, why not? We do have the six of scrolls. यहाँ पे है हमारे पास eight of forces. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ओके द लवर्स कार्ड द डिवाइन फिजिशियन. ओके, इस डेक से भी हम देखेंगे. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के जिंदगी में क्या आ सकता है जरूर. We do have the Queen of Wands. Okay. हमारे पास है the Nature. Okay. यहाँ पे Lovers का two times है the Lady and the Lord. Three of Chalices. Five of Wands. Bottom of the deck हमारे पास है High Priestess. So यहाँ पे है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर राशि. वी डू हैव एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि. वी डू हैव एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि. यहाँ पे है हमारे पास मकर राशि. यहाँ पे है हमारे पास यस वी डू हैव द जेमिनी मिथुन राशि पाइशियस और कैंसर मीन और कर्क राशि. तो यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं. सो एयर साइन वाटर साइन फायर साइन एंड अर्थ साइन इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है सेवन एट सिक्स इज वेरी इम्पॉर्टेंट. सिक्स 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 ट्रिपल सिक्स इज देयर फिफ्टीन इज देयर. हो सकता है जो भी घटना है आपके साथ होने वाला या जो भी आने वाला है हो सकता है मे बी विद इन सिक्स डेज सिक्स वीक्स के अंदर वो हो जाए. ऑल राइट, सो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ इम्पॉर्टेंट नंबर्स कैन बी थ्री फाइव. ओके, ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइस. जून भी काफी सिग्निफिकेंट है. ऑल राइट, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले समय में जो मुझे यहाँ पे आपके लिए फीलिंग्स एंड वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो है कि जो जिस तरह से देखो मैं उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि एग्जाम्पल के साथ ताकि आपको समझ में आए. देखो आफ्टर नाइन मंथ्स अ मदर हैज़ द डिलीवरी, राइट. सो कहीं ना कहीं पे माता का क्या होता है 9 महीने के बाद उसके बच्चे होते हैं. सो डेफिनेटली बच्चे होने से पहले जो होता है दैट इज़ द लेबर पेन, ठीक है, जो बोला जाता है इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी. नाउ व्हाट इज़ द लेबर पेन, जब बच्चा होने वाला होता है सो मदर गेट्स पेन. सो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है अगर आपकी कोई प्रोजेक्ट की शुरुआत आप कर रहे हो जस्ट सक्सेसफुल होने के थोड़े ही पहले क्या होता है ना जैसे बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको हो सकता है कि दर्द महसूस हो रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रहा होगा, आपको अनइजी फील होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से. आपने अपना काम कर दिया है, नाउ इट्स अ टाइम टू गेट द रिवॉर्ड्स. सो आई डू फील लाइक दैट. यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे
स्पष्टता से यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। When you are working, ओके, आपका जैसे काम के प्रति एक लगान, ठीक है, जैसे एडिक्शन हो गया था आपका, काम 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 को छोड़ के आपने कुछ भी नहीं, शायद बहुत साल से हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होने वाला है एंड आपने ऑलरेडी उसके लिए कितना कुछ कुर्बानी दिया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपने टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपने काफ़ी पैसा हो सकता है कि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए लगाया हो, या हो सकता है एक अगर आप एक पोएम लिखने की भी कोशिश करें तो भी तो उसमें मेहनत है, क्योंकि उसमें थॉट्स है, उसमें एक प्रोसेसिंग होता है। ऐसे ही लोगों को आइडियाज़ नहीं मिल जाते, वक्त लगता है ना, आज के दिन ही सब कुछ आइडियाज़ हो जाता तो पोएम लिखने में फिर 2 मिनट लगता, राइट। सो कुछ भी चीज़ अगर आप शुरुआत कर रहे हैं उसके लिए एक टाइम यहाँ पे ज़रूरी था, और मुझे दिख रहा है वो सबर का वक्त जो है वो कंप्लीट होने वाला है। यू गॉट सो मच पेन, आप बहुत ज़्यादा इस पहाड़ में चढ़ने के लिए आपने बहुत कुछ झेला, ठीक है, और जो कठिनाइयों से आप जूझे, जो हालात बहुत ज़्यादा गंभीर थे, सो उस सारे चीज़ों को, ठीक है, मिटा के आप ऊपर तक चढ़ रहे हो। सो नाउ यू आर वेरी क्लोज टू द सन, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यू आर गेटिंग द ग्लो, राइट। सो बेसिकली आपकी सक्सेस जो है, आप सक्सेस की जो एक खुशबू है वो महसूस करोगे। ऑल राइट, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपने हर एक चीज़ को एनालाइज करके, हर एक चीज़ को कंपेयर करके, हर एक डिफेक्ट चीज़ को हटा के, जैसे आपने बहुत कुछ चीज़, ठीक है, हासिल किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट्स या कोई भी कंपनी में प्रोसेसिंग में हैं, आप देखोगे कि जो सपोज फॉर एग्जांपल हम जो चिप्स का पैकेट खाते हैं, तो कुछ पैकेट्स में क्या होता है, डिफेक्टिव होता है, बहुत ही रेयर केस होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंस्पेक्शन ऑफिसर्स है, वो देखेंगे कि कोई पैकेट तो सील के बिना नहीं जा रहा है ना मार्केट में। सो हर एक चीज़ का एनालाइज आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द फ्यूचर। आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ द वर्क आप खुद जाके भी चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। सो आपका मेहनत, भले ही आप एक बहुत बड़े पोजिशन में पहुँचेंगे, लेकिन आपका मेहनत तो वहाँ पर रहेगा, आप तो वहाँ पर खामखा अपने केबिन में बैठे हुए नहीं रहेंगे, आप क्रॉस चेक करेंगे, आप देखेंगे, आप चीज़ों को सुपरवाइज करेंगे एंड देन यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आफ्टर हार्ड वर्क यू आर श्योर शॉट गोइंग टू गेट द अचीवमेंट। सो सक्सेस पार्टी तो एंजॉय आप ही करेंगे, और कौन करेगा यहाँ पे। सो यू कैन सी लाइक दैट आफ्टर दिस इवेंट्स द सक्सेस पार्टी इज दैट। चीयर्स अब गाइस, नाउ चीयर्स। सो देर विल बी स्माइल ऑन योर फेस, आपके ऑफकोर्स हंसी खुशी शोर शराबा तभी अच्छा लगता है जब हम कुछ चीज़ हासिल करते हैं। एंड नॉट ओनली इन योर प्रोफेशनल लाइफ या आपकी ओवरऑल बिजनेस या फाइनेंस, उसमें तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी खुशी होगी कि आपने एक बहुत बड़ा जैसे भारी भरकम बोझ अपने जो कंधा है, राइट, उसके ऊपर से आपका जो बोझ है वो हट गया। हो सकता है कि आपकी बहन की शादी है, राइट, लेकिन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था तो आप सोच रहे थे कि कैसे मैनेज करें, ठीक है, कहाँ से इतना जुगाड़ करें, क्या करें। सो यू आर सर्चिंग फॉर सम फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, वो भी आपको शायद मिल रहा है। सो यू आर वर्किंग समवेयर, एक्स्ट्रा आवर्स काम करने से आपको मिल रहा है, मे बी आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं एंड यू आर एडजस्टिंग इट। दूसरा चीज़ है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने नोटिस किया होगा कि शायद आपकी शादी हो चुकी है रिसेंटली एंड वंस यू गॉट मैरिड, तो आप देख रहे हैं आपकी जो इनकम फ्लो है वो धीरे 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 और बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा आगे जाके, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि अगर आप एक टीम चला रहे हो, अगर आप एक टीम कोऑर्डिनेटर है, अगर आप चाहे वो कोई भी फील्ड में हो सकता है, राइट, टीम इज नाउ एवरीवेयर, वी आर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज होंगे, एम्प्लॉयज को ही टीम लीडर चाहिए होगा, मैनेजर चाहिए होगा उनको देखभाल करने के लिए एंड एज वेल एज उनको गाइडेंस देने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, राइट। सो बेसिकली आप
अपने करियर में तो सक्सेसफुल हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आ वेल सेटल्ड लाइफ स्पेसिफिकली इन योर पर्सनल लाइफ इज ऑल्सो गोइंग टू कम. द डिवाइन फिजिशियन यहाँ पे क्या है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो भी रिलेशनशिप्स में जो भी प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, आप नाकामयाब हुए हैं बहुत सारे, लेकिन अगर आप उस चीज़ से अटैच्ड रहेंगे, क्या आपको कामयाबी मिलेगा, क्या आप उस इंसान को पनिश करने के लिए बैठे हैं जो आपके साथ नाइंसाफ़ी किए, मे बी बिट्रेयल इन लव, मे बी बिट्रेयल आफ्टर मैरिज, क्या आप उनको लेके आके पनिश करोगे? नहीं ना, बिकॉज यू आर ऑल स्पिरिचुअल पीपल, यू नो दैट कर्मा विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन. बट यहाँ पे मुझे ये दिखाई तो ज़रूर दे रहा है कि यू विल गेट लॉट ऑफ एडवाइसेस, और इस बार आपकी जो रिलेशनशिप आने वाले है एंड दैट विल बी वेरी मच सिंपैथेटिक, बहुत अच्छे से अंदरूनी से, ठीक है, बाहर तो सिर्फ ऐसा है, अंदर से भी आप उसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे, आपके साथ उसका रिश्ता गहराई से गहराई होता जाएगा. ठीक है, डे बाय डे विल मीट ईच अदर एंड डे बाय डे योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू गेट डीपेंड, मतलब पूरी तरह से वो एकदम गहराई, मतलब इन डेप्थ जा रहा है रिलेशनशिप. अगर रिलेशनशिप ऊपर ऊपर से हुआ तो उसको ख़त्म हो ही जाना होता है, क्योंकि उसमें कोई भी मतलब स्टेबिलिटी नहीं है. सो बेसिकली आई डू फाइंड यू विल बी बोथ लॉयल टू ईच अदर, आप लोग एक दूसरे का बात भी सुनेंगे, एक दूसरे के साथ सिंपैथी भी रखेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, एंड यू विल ऑल्सो गेट लॉट ऑफ गुड एडवाइसेस रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप. आपको एडवाइसेस भी मिलेगा, उस एडवाइस के अनुसार अगर आप चलेंगे तभी भी आपके लिए बहुत बढ़िया है. मे बी आपके फैमिली में कोई आपको गाइड करने वाले हैं कि किस तरह से रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है. हो सकता है कि आपने कभी भी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं किया होगा. सो आई डू फाइंड लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस. ऑन द नेगेटिव साइड मुझे यही दिख रहा है, चीज़ें तो देखो फास्ट फास्ट है, ठीक है, चीज़ें फास्ट फास्ट आ रहे हैं, नो डाउट, यहाँ पे भी है 8-8, ओके, बट द थिंग इज लाइक दैट कि कभी कभार, ठीक है, जैसे सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलर नहीं होते हैं, उनका मेंटालिटी अलग अलग होता है, फैमिली में भी सबका माइंडसेट अलग ही होगा, जनता का भी माइंडसेट अलग अलग है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, लेकिन सबको मिला के, ठीक है, सब लोगों को ऊपर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या करते हैं, अलग अलग लोगों को एक ही साथ लेके आते हैं और फिर वो लोग मिल के काम करते हैं. सो टीम वर्क इज द बेस्ट, राइट. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कभी कभार आपको मैनेज करने में इनको तकलीफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को आप छोड़ रहे हो. नो, डोंट गिव एनी टाइप ऑफ रेजिग्नेशन. अगर आपको रेजिग्नेशन देना ही है, मेक श्योर दैट यू हैव अ जॉब एंड हैंड, राइट. सो आपके पास जॉब होगा या बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगा तभी जाके आप रिजाइन करना. हो सकता है कि आप संतुष्ट ना हो कि देखो मुझे हर रोज यही इनको बोलना पड़ता है फिर भी ये लोग नहीं सुनते हैं, उस तरह से हो सकता है. आपके आपके भी जो सीनियर मैनेजमेंट है शायद आप उनसे जाके बोलते हो कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हो सकता है कि वो आपको आपके बात सुनने के लिए रेडी ना हो, बिकॉज दे आर ओनली रेडी टू टेक द रिजल्ट फ्रॉम यू, क्योंकि वो तो आपको सैलरी पेमेंट कर रहे हैं ना, वो आपके कॉम्प्लेंस को हैंडल नहीं करना चाहते, आपके कॉम्प्लेंस को आप ही को हैंडल करना है. सो इस दौरान कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लिए हताशा आ जाए, आप थोड़ा सा नाकामयाब भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट यू विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन. फिर क्या होगा, उस जगह पे तो वो रखेंगे ही ना किसी को. सो गुस्से में कोई भी काम नहीं करना, बिकॉज आई कैन सी दैट यू मे लूज योर टेम्पर, सो डोंट लूज योर टेम्पर. सो आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इस तरह से है कि यू विल स्टार्ट समथिंग कंस्ट्रक्टिंग वेरी न्यू, एक हो सकता है न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए आ रहा है, ठीक है, एक हो सकता है कि आपकी शादी हो गई है, फिर घर का भी काम है, बाहर का भी काम है, लेकिन उस काम को मुझे आप देख रहा है कि एक
एंजॉय करते हुए आप देख रहे हो यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए आप एक बिजनेस तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस में भी बिजनेस करना आप स्टार्ट करना चाहते हो, और वो करोगे भी आप। सपोज आप कुछ प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग ऑन सम मेडिसिन, राइट? आपका एक शॉप है, आप वहाँ पे मेडिसिन सेल कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरा शॉप भी ओपन कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट में भी आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बेच रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिजनेस वेंचर्स, ठीक है? मीटिंग आप अटेंड कर रहे हो, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कर सकते हैं, उस तरह का प्लान, प्रोजेक्ट में भी, और एन आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनिंग, हो सकता है कि आप अपना घर का रेनोवेशन करें, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ काम जो पेंडिंग था वो भी कंप्लीट हो रहा है। कुछ लोग अगर स्टूडेंट्स हैं सो बेटर यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एनी टाइप ऑफ कोचिंग और इंस्टीट्यूशन में भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि आपका जो रैंक है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी रिजल्ट हो वो सबसे बढ़िया हो और आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है? और उसके प्रयास आप कर रहे हो तो बेस्ट यू शुड डू इट, बट यू शुड नॉट वेट, ठीक है? किसी चीज़ के लिए आपको वेट नहीं करना है, तुरंत आपको एक्शन लेना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको तुरंत भागना पड़ सकता है कोई ऐसे जगह पे जहाँ पे आपकी कंपनी आपको जाने के लिए बोले, या आप खुद के बिजनेस के लिए आप दौड़ भाग करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे सडन चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अचानक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, सो दिस इज इट। नाउ लेट मी सी विद द ओरेकल कार्ड्स। ऑल राइट, ओके। द ब्रदर इन डार्कनेस ओवरकमिंग नेगेटिव एनर्जी विथ फेमिनिन पावर, ठीक है? सो कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव एनर्जी आ सकता है, आपके माइंड सेट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स है, राइट? सो यहाँ पे क्या है, हम इंसान हैं तो हम नेगेटिव हो ही सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव भी आ जाएगा तभी भी आपके पास वो शक्ति, वो जैसे बोला जाता है फेमिनिन एनर्जी, राइट? उससे आप सारे नेगेटिव एनर्जी जो ऊर्जा है उसको दूर कर सकते हो। जैसे बोला जाता है माँ काली की एनर्जी, माँ काली की एनर्जी क्या है, उनको माँ काली क्यों बोला जाता है, बिकॉज शी रिमूव्स ऑल द ब्लैक एंड टॉक्सिक एनर्जीज फ्रॉम द यूनिवर्स विथ हर फेमिनिन पावर, ठीक है? वो फेमिनिन पावर का आप अगर जानते हैं कि माँ दुर्गा जब राक्षस के साथ वो लड़ रहे थे, जैसे राक्षस ने, जैसे वो बहुत ज्यादा मेडिटेशन किए थे, राइट? तो उनको वरदान मिला था, क्या मिला था उनको वरदान, कि कोई भी उनको मार नहीं सकते, ठीक है? स्पेशली पुरुष तो उनको मार नहीं सकते, और उन्होंने ऐसा भूल गए थे कि नहीं, हम आपको कोई महिला भी मार सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा था कि कोई पुरुष तो क्या, कोई मुझे मार ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने भूल चुक कर दिया। क्या किया, दे एक्चुअली डिसरेस्पेक्टेड वुमेन, एंड उन्होंने क्या किया, फेमिनिन एनर्जी को जब ओवरलुक किया था, तब माता दुर्गा आके उनको पूरी तरह से खत्म कर दिए। क्यों? बिकॉज ही डिड नॉट, यू कैन से दैट डिड नॉट डू गुड, ओके? अच्छा उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। सो खत्म हो जाता है जितने भी नेगेटिव पावर्स हैं, वो फेमिनिन एनर्जी, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फीमेल और अ मेल, फेमिनिन जो एनर्जी है उसको समझने की कोशिश करें, ना कि आप ऐसा सोचे कि मैं मेल और फीमेल को बोल रही हूँ। फेमिनिन एनर्जी इज द दैट एनर्जी, ओके? जहाँ पे माता की शक्ति है वहाँ पे, ठीक है? उस तरह का शक्ति, जैसे डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, उस तरह से वहाँ से आप एनर्जी जो है, आपका जो एनर्जी है उससे आप नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ सकते हैं। और राइट, देखा, राइजिंग सन, द डिवाइन सोलर चाइल्ड रीबॉर्न, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, आपका यहाँ पे रीबर्थ हो सकता है, रिकनेक्ट हो सकते हो आप किसी से। यहाँ पे मैंने शुरुआत कैसे किया था कि माँ का जो जब बच्चा होता है तब उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और मैंने कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट का ही स्टार्ट किया था। मेल खाया ना, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे सन इज सिमिलर, सन इज नियर एंड डिफाइनली द राइजिंग सन इज देयर, द डिवाइन सोलर चाइल्ड रीबॉर्न। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक खुशखबरी भी आए, आपके घर में कुछ नया मेहमान आए, न्यू अराइवल ऑफ अ पर्सन और अ बेबी, जिनका बहुत ज्यादा
लोग मानते हैं, मान्य मान्यता होगा, बहुत अच्छा सा। नॉट ऑफ आइसिस एनर्जेटिक स्टेबिलाइजेशन विद अ बकल ऑफ द बिलवड। एक नॉट क्यों बांधा जाता है, जो जैसे रक्षाबंधन, बंधन है वो, ठीक है, रक्षा है वो, ठीक है, उस तरह से जब शादी ब्याह होता है तो वहाँ पे बंधन नॉट बांधा जाता है। तो वो क्यों ऐसा माना जाता था पहले कि वो नॉट बांधने से, गठबंधन जिसको बोला जाता है, सो उसको बांधने से जो इविल एनर्जीज है वो दूर हो जाते हैं। और भी क्या है कि यूनियन, यूनियन को भी समझा जाता है। सो आई डू फाइंड लाइक द टेम्पल ऑफ द ब्लैक ऑब्सीडियन द डार्क हीलिंग चैम्बर। यहाँ पे क्या है कि द थिंग इज लाइक दैट कि जो चीज हम ऐसे ही इस तरह के नजरे से नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्म जो शक्ति है, सूक्ष्म जो एनर्जी है, ठीक है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। सो आई डू बिलीव लाइक दैट दैट यू हैव अंडरस्टूड टू दैट लेवल। जो जहाँ से मैंने शुरुआत किया था उसी पे आके मैं ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या था, शुरुआत किया था मैंने उस चीज़ से, प्रोजेक्ट से, और वहाँ पे आके वो ख़त्म हुआ। सो आई डू फाइंड जो आपके लिए आ रहा है वो है बहुत ज़्यादा लोड ऑफ एनर्जी एंड डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग विथ लॉट ऑफ सक्सेस एंड अचीवमेंट। सिर्फ ऑन द नेगेटिव साइड ये भी आप लोग देख लेना कि आपके टेम्पर थोड़ा सा आप कंट्रोल में रखें और एडजस्ट फैक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। हियर आई एम एंडिंग द रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग। डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज एंड लव यू अ लॉट एंड टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ।